हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है मृत्युंजय। आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने नहीं बल्कि अपना एसएससी सीजीएल 2019 का फाइनल स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करने आया हूँ। एक ऐसा एग्ज़ाम जिसकी ख्वाहिश में लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना डूब जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि सफ़र कितना लंबा और कितना सक्सेसफुल रहा है। इस सफ़र में आपको ये जो चीज़ें हैं, आपको धैर्य, कैसे मेहनत करना है, कैसे स्मार्ट वर्क करना है, और तब जाके जो सफलता मिलती है वो उसका जो खुशी होती है वो चरमोत्कर्ष पे होता है। ठीक है, ये सफलता क्या करती है, आपको एक पहचान देती है जिससे कि आपकी कैपेसिटी को एक प्रूवमेंट जो होती है ना वो मिलती है। ठीक है, मैं आपसे पहले कुछ कोट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि मैं अपना, उसके बाद मैं स्कोर कार्ड आपको बता सकूँ कि मेरे किस सब्जेक्ट में, मतलब किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं और किस किस लेवल पे मेरे कितने मार्क्स बने हैं। लेकिन ये एक ऐसा सफ़र है जो 2019 से चालू हुआ था और आज 2021 में जाके इसका रिजल्ट, इसका मार्क्सशीट मुझे मिला है। तो ये जो लंबा सफ़र था जिसमें धैर्य भी लगा मेरा, इसमें मेहनत भी बड़ी लगी और धीरे धीरे करके मैं उस मुकाम तक पहुंचा हूं। देखिए, पहला चीज़ तो आपको इसे ध्यान रखना चाहिए कि मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना। अगर मंजिल यहाँ से यहाँ तक का है, आप मान लो ये सफ़र अगर यहाँ तक है, अगर आप आधे रास्ते जाके लौटते हो तो आप ये समझ लो जितना रास्ता इधर आप लौटने में कवर कर ले, अगर थोड़ी और हिम्मत रखते हो, धैर्य रखते, तो आज आप मंजिल तक होते। तो इसका अर्थ ये है कि आप कभी अपनी मेहनत से कभी जी नहीं चुराना, अपनी मेहनत पे लगातार भरोसा रखना और तब तक करते रहना जब तक कि इस आधे रास्ते के बाद नेक्स्ट आधा रास्ता भी हमारी पूरा ना हो। समझ गए? दूसरा चीज, अगर हारने से डर लगता है, अगर आप इस बात के लिए खेलते हो कि जीत और हार दोनों में फर्क जानते हो, वो सही है, बट अगर डर लगने लगे कि अगर मेरी हार हो जाएगी तो क्या होगा, तो जीतने की इच्छा बिल्कुल अपने अंदर खत्म कर लो। क्योंकि हार का जो डर होता है वो हमारे अंदर से है ना, वो लड़ने की जो इच्छा होती है उसका जो कैपेसिटी होता है उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। फिर आप जो है बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाते हैं, निहत्थे हो जाते हैं, क्योंकि आपका मेहनत ही आपके लिए तलवार और आपके लिए धार का काम करती है जिसको कि आप लूज कर बैठते हैं। इसलिए अगर इन छोटी सी बातों में आपको बताऊं कि सक्सेस किसको कहते हैं, सक्सेस उसको कहते हैं जिसको कि इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप मेहनत करते रहे तो वो आप पे फिदा हो जाती है। फिदा होने की मतलब क्या हो जाती है कि सक्सेस आपकी पहचान बन जाती है, सक्सेस डायरेक्ट आपके झोले में आ गिरती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपना स्कोर कार्ड बताऊं कि ये जो सफ़र है प्री से लेके मेंस, मेंस से लेके डिस्क्रिप्टिव और उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट, फिर उसका मार्क्स आना, ये कितना कुछ लंबा सफ़र होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा देखिए, ये मेरा स्कोर कार्ड, आप मेरा नाम देख रहे होंगे, ठीक है, मृत्युंजय कुमार, ओके, ये मेरा रोल नंबर है। ठीक है, आप अगर देखोगे तो ये मेरा पेपर वन था, पेपर वन में मेरे जो रॉ मार्क्स बने थे 132, जो कि फिर नॉर्मलाइज्ड होके 151 हुआ था। समझ गए? तो इसमें क्या हुआ था, थोड़ा मैं पैनिक हो गया था, बट पैनिक होने के बावजूद भी मैंने क्या किया, अपने आप को संभाला था एग्ज़ाम में और फिर जाके 151 मार्क्स मेरे बने थे। इसके बाद भी सफ़र यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा था। उसके बाद क्या था कि मेरे लिए टायर टू, जो कि एक चैलेंजिंग होता है, उसमें मुझे अच्छे से परफॉर्म करना था। टायर टू में दो पेपर होता है, ठीक है, ये आपको एसएससी सीजीएल का मैं बता रहा हूँ, जिसमें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ्स का होता है और एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का। दोनों में देखिए, इसमें जो रॉ मार्क्स थे ये टोटल 200 में मुझे 197.5 मार्क्स आए थे, 197.5, जो कि नॉर्मलाइज होने के बाद 231.76492 मार्क्स बन गया। ओके, तो आपको अगर कहोगे तो मैथ्स में मेरे कितने बने नॉर्मलाइज होने के बाद, तो 200 में 231.76। ओके, और ये ज़्यादा क्यों बने, ये कंपेरेटिव इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद फिर कभी मैं बात करूंगा कि नॉर्मलाइज किस तरह से होता है। फिर देखिए, इंग्लिश में मेरे बने थे 167.5, ये बने थे 200 में।
200 मेरे आए थे 167.5, ये मेरे रॉ मार्क्स हैं जो एग्जैक्ट जो मेरे मार्क्स आए, लेकिन उस समय नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितना हो गया 171.40992। तो ये मेरे एक्चुअल में जो है ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ओके, और ये वाला भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स था। जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होते हैं वही आपके रिजल्ट के लिए काउंट होता है, ओके। फिर क्या था कि टायर थ्री में इस बार क्या हुआ था कि आपको तीन चीजें आने के अनुमान होते हैं, एक तो होता है ऐसे, ठीक है, दूसरा होता है प्रिसाइज राइटिंग, ओके, और एक होता है लेटर या फिर एप्लीकेशन, ठीक है। ये आज तक नहीं आया था, ठीक है, तो इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, आपको ऐसे आना था, लेटर एप्लीकेशन आते रहा है। बट इस बार क्या हुआ कि ऐसे भी आया तो इन्वायरमेंटल असेसमेंट पाया जो कि यूपीएससी का सिलेबस था, ओके, उस वहां से टॉपिक आया था। और दूसरा क्या था, सबसे ज्यादा सरप्राइज किया इस बार सीजीएल ने, वो था प्रिसाइज आपको दिया, प्रिसाइज दिया था मुझे लिखने, इसलिए जब मैं लिखा था तो मुझे एक्चुअल में फॉर्मेट का थोड़ा बहुत अंदाजा था बट फुल्ली नहीं था, इसलिए मैं इसके नंबर्स के लिए कंफर्म नहीं था। बट मेरे मार्क्स एवरेज से भी ऊपर आए हैं क्योंकि मेरा जो लैंग्वेज था वो मैंने बहुत क्लियर लिखा, अपनी बातों को बहुत क्लियरली उसमें रखा है, ऐसे में भी और प्रिसाइज में भी, ठीक है। तो मेरे मार्क्स जो एक्चुअली बने वो बने 62। तो अगर आप टोटल देखोगे तो 200 नंबर आपके होते हैं प्री में, फिर 200 नंबर होते हैं आपके क्वांट के, फिर 200 नंबर इंग्लिश, 600 ये, और ये 62 मुझे आया 100 में, ठीक है। तो टोटल 700 मार्क्स, टोटल 700 मेरे बने कितने, तो आप जोड़ोगे तो 616, ओके, तो टोटल 616 मार्क्स बने हैं। अब इसके बाद बस सिर्फ बचा है टायर 4, जिसमें कि आपका क्या है, एक CPT बस क्वालिफाइंग होता है और टेस्ट होता है, जिसके बाद DV होता है और फिर मेरा मेरिट बनेगा और मुझे एक पोस्ट मिलेगी CGL के थ्रू, एक अच्छी सी पोस्ट मिलेगी। तो ये मेरा जो सफर था ये मैंने आपको बताया। इसके दौरान देखिए, ये छोटा सा आपको बस एक मार्क्स के रूप में आप देख लिए, लेकिन ये आप समझ लो कि 2-2.5 साल का ये सफर होता है। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ही अलग अलग स्तर पे, लेवल पे आपको खुद को बना के रखना पड़ता है, बहुत सारी चैलेंजेसों को सामना करना पड़ता है, ताकि आप जब माइंड शांत होता है तो आप उसको परफॉर्म कर पाते हो, ओके। फिर जाके है ये छोटा सा आपको मार्क्स देखने को मिला एक पेज पे, बट इसको बनाने में बहुत ज़्यादा जतन, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा अपना जुझारूपन दिखाना होता है, ओके। तो हम जो है आपसे मिलेंगे, आपको हम यहाँ ही पढ़ाते हैं आपको मैथ्स, फिर हम मैथ्स भी आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे और फिर आगे जो भी होता है मेरा SSCGL में, जो भी मुझे पोस्ट आती है उसे भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप हमारे इस वीडियो के मैसेज वाले बॉक्स में जाके आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड लक गाइज़।